यूपी चुनाव के बाद सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों की मांगों को लेकर के बड़ी बात कही है। मलिक ने केंद्र सरकार को अब इस मुद्दे पर आगाह किया कि अगर किसानों की बात केंद्र सरकार नहीं मानती है, उनका मान नहीं रखा गया, तो वो अब कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिससे मोदी सरकार असहज हो गई है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर अब किसान हिंसा का रास्ता अपनाएंगे। राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने ये बातें कही कि दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार को मेरी सलाह है कि उनके साथ यानी कि किसानों के साथ ना भिड़े। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसानों का मुद्दा उठाने के कारण वो अपना पद खोने का डर नहीं रखते। उन्होंने कहा कि किसान जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। अगर ये बातचीत के जरिए उन्हें नहीं मिला तो वो लड़कर ले लेंगे। अगर लड़कर उन्हें ये चीजें नहीं मिली तो वो हिंसा के माध्यम से ले लेंगे, लेकिन वो अपना हक ले जरूर लेंगे। मलिक ने कहा कि उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है कि अपनी मांगे कैसे मनवानी है। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। जो दिल्ली में सरकार है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसानों को अब और दबा के नहीं रखा जा सकता। ये अपना हक लेके रहेंगे, बातचीत से नहीं दोगे तो लड़ाई से लेंगे, लड़ाई से नहीं मिलेगा तो हिंसा से लेंगे। लेकिन मेरी ये राय है दिल्ली वालों को, मैं उन्हें यदाकदा देता भी रहता हूँ ये राय कि साहब इनसे आप पंगा मत लो, ये बहुत ही भयानक लोग हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पहले भी केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर चुके मलिक ने साफ साफ कहा है कि इसकी आशंका हमेशा से रही है कि अगर वो किसानों के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली से फोन आ सकता है। मलिक ने कहा कि मैं दिल्ली के 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ, इसलिए मैं किसानों के मुद्दे पर मोदी से पंगा ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं किसानों के लिए अपना पद छोड़ सकता हूँ। तो सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो केंद्र सरकार के लिए असहज करने वाला हो सकता है। मलिक ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि सिख और जाट कुछ नहीं भूलते। राज्यपाल रहते हुए 6 बार से ज्यादा तबादले किए जाने की बात कहते हुए मलिक ने साफ कहा कि वो किसानों के साथ हैं और किसी से डरते नहीं। इसी के साथ मलिक ने मोदी सरकार को अड़ियल भी कहा है। राज्यपाल मलिक ने दावा किया है कि किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार का जो रुख है वो बेहद अड़ियल रहा है। किसानों के साथ बातचीत के दौरान मोदी का ये व्यवहार साफ तौर से दिखा भी था। उन्होंने मोदी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो पीएम के इस अहंकार का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। ये सरकार किसानों का गला नहीं घोट सकती। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से विरोध शुरू होगा। आपको बता दें कि इसके पहले मलिक ने किसानों से अगले लोकसभा चुनाव में एकजुट होने और बदलाव के लिए वोट देने का आह्वान किया था। उन्होंने किसानों के आंदोलन के 2 साल पूरे होने पर कहा था कि अब किसानों को आंदोलन करना बंद कर देना चाहिए और सत्ता हासिल करनी चाहिए। मलिक ने कहा था कि लोकसभा चुनाव सिर्फ 2 साल दूर है, अगर आप एक साथ वोट करेंगे तो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग भाग जाएंगे। ये किसानों का शासन होगा यहाँ, और फिर आपको किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसान आंदोलन के वक्त से ही बीजेपी से लगातार नाराज चल रहे सत्यपाल मलिक ने अब मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो बीजेपी से जुड़े कई ऐसे नेता हैं और वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग हैं जिन्होंने पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से अपनी ही सरकार और पार्टी की नीतियों की आलोचनाएं करना स्वस्थ लोकतंत्र का प्रमाण है। लेकिन मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जिस अंदाज में और जिस मौके पर अपनी ही सरकार की भद पिटवाई है, वो मोदी सरकार को बिल्कुल असहज कर देने जैसा है। मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा के रख देने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।